फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का ना ये फाइल का ऐप आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है, इसे टैप करना है, ठीक है ना। तो आपका एक ही वाला पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल का जो माइक्रोफोन है ना, उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या, माइक्रोफोन में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण माइक्रोफोन में प्रॉब्लम आती है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन को ना हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब आपको अगले पेज में नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है ना। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे बताए हुए तरीकों से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, अपने मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए, ठीक है।